रात्रि मुझे निकी और पीयूष को अलग करने का रास्ता देखा, कुछ ऐसा जिससे उनके बीच का प्यार मर जाए। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, यदि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। देखिए ये कौन सी जगह है मेरे मालिक? ये है शमशान का गर्भगृह, जहां मौत जिंदगी को जन्म देती है, जो हमारे हुए मेरे हाथों जीवित होते हैं। वेलकम टू भोरनगढ़ वंस अगेन। तुम दोनों एक होने के लिए शादी के बंधन में बंधे थे ना, अब मैं तुम्हें अलग करने के लिए फिर से तुम्हें शादी के बंधन में बांधूंगा। लेकिन ये शादी कोई आम शादी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी आम शादी में दो लोग होते हैं, लेकिन यहां पर पीयूष होगा, निकी होगी, और उन दोनों के बीच कोई तीसरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पीयूष और निकी के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। वो तीसरा ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। सुमित्रा, आरती की थाल मंगवाओ, ढोलक बजवाओ, तुम्हारे छोटे बेटे की पहली पत्नी, तुम्हारी पहली छोटी बहू वापस लौट आई है। अंजलि, ये कैसे हो सकता है? अंजलि भाई साहब, अंजलि आगे बढ़ो, अपने पति से मिलो, बहुत मिस किया है इसने तुम्हें। Now that's a match made in heaven, how should I say? वैसे तुम लोग को मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहो तो तुम लोग अपने कमरे में जा सकते हो। यू कैन गो पीयूष। सुमित्रा, मैं जानता हूं कि तुम अपने हद्दार पति की तरह नहीं हो, तुम मर जाओगी लेकिन मालिक की वफादार रहोगी। इस बक्से में ऑक्सीजन लिमिटेड है, जैसे जैसे ये सांस लेती जाएगी ऑक्सीजन खत्म होते जाएगा, कुछ देर में ये मर जाएगी। नहीं 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 मालिक, मालिक प्लीज,
प्लीज मम्मी को जाने दो, प्लीज मालिक प्लीज। अगर मम्मी की जान बचाना चाहती हो तो तुम दोनों शादी कर लो, अंजलि से शादी कर लो, उसकी मांग भरो। एंड यार ध्यान रखना, हर एक रस्म में अंजलि का शामिल होना जरूरी है। उसके बाद तुम दोनों के बीच में एक तीसरा आ जाएगा और तुम्हारा ये रिश्ता टूट जाएगा। फिर तुम अपनी मां से आशीर्वाद लेने आना। देखिए पीयूष, शादी की रस्में शुरू की जाए। जो हुक्म मेरे मालिक। छोटी बहू रानी और छोटे राजकुमार का रिश्ता से खत्म। शादी की रस्में पूरी हुई, पीयूष और निकी का रिश्ता टूट चुका है। निकी, अब निकी पीयूष की नहीं रही। मेरा दिल बहुत बड़ा है पीयूष, तुम्हारा दिल तोड़कर भी मैंने नहीं तोड़ा। जो अपना था वो तुमसे छीन लिया और जो तुम्हारा था वो तुम्हें वापस कर दिया।